नाच रही थी है। देखिए देखिए गिरेगा नहीं, ये गोपी बिल्कुल पागल है, सब पर शक करता जा रहा है। सबसे पहले तो उसने इन पर शक किया, फिर इन पर शक किया, फिर इन पर शक किया, इन पे शक किया, इन पे शक किया, इन पे शक किया, और इसका बस चलता तो मुझ पर भी शक करता, अपने आप पर भी शक करता और आप पर भी शक करता। लेकिन इन सारी भूलभुलैयों में ये समझ में आया कि मरते वक्त अंजलि राव न कंच कह रही थी, न कंचन और न कांता। कंचे ही तो हैं, यही कहना चाहती थी ना अंजलि राव मरने से पहले, कंचे कंचे। तुम्हारे पिता मार्बल मैन में खूनी जब भी खून करके जाता है तो एक कंचा उसके हाथ में छोड़ जाता है जिसका उसने खून किया है। अंजलि राव के हाथ में भी एक कंचा था और जिमी की जेब में भी एक कंचा था। तुम्हें ने किया था ना अंजलि का खून, और जिमी का खून भी तुम्हें ने किया था। नहीं, नहीं। हाँ कविता, तुम्हें ने किया था। हाँ नहीं, तुम्हें ने किया था। नहीं मैंने अंजलि का खून किया, जिमी का भी, दोनों का खून किया मैंने। मैंने खून किया। कंचे कंचों का खेल ही तो है ये जिंदगी। बचपन में अंजलि और मैं कंचों से खेला करते थे, वो हमेशा मुझसे कंचे जीत जाया करते थे। मुझे अपनी हार बहुत बुरी लगती थी, बहुत बुरी। और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ब्यूटी क्वीन है अंजलि, गिव हर अ बिग हैंड। बचपन का ये खेल जवानी तक चलता रहा, कॉलेज में भी वो मुझसे जीतती रही। वही कंचों का खेल, वही हार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो आया, वो विजय मेरी जिंदगी में। मैं उससे प्यार करने लगी थी, चाहने लगी थी उसे, उसे शादी के ख्वाब देखने लगी थी। मैं उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो विजय उसकी बाहों में, उसने मुझसे विजय को भी जीत लिया। कच्चों का खेल, कच्चों का खेल, मैं ये कंचों का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी, हमेशा के लिए। उस रात भी वो नाच रही थी, बहुत खुश लग रही थी वो, और फिर उसके जूते की हील टूटी, वो कमरे में जाने के लिए बाहर निकली। मैंने बहाना बनाकर उसका पीछा किया, कोई मुझे पहचाने नहीं इसलिए मैंने शेर का मास्क पहना।
चलाती क्यों है ऐसे मुझे? ये क्या कर रही हो? कुछ याद आया? याद? मुझे तो कुछ याद नहीं आया, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगी कंचे। बहुत हराया जिंदगी भर तूने मुझे, आज मैं तुमसे जीतने आई हूं। उसके बाद मैं अंजलि के कमरे से बाहर निकली और जिमी से टकराई। न जाने उसने मुझे पहचाना या नहीं, मैं सोचती रही। फिर उस दिन टेबल टेनिस खेलने के बाद उसने बताया कि उसके पास कातिल की एक निशानी है। मुझे आपको अभी इसी वक्त मिलना है, मेरे हाथ में कातिल की निशानी है। मैं आपको लिफ्ट के बाहर मिलता हूँ। मुझे लगा मिस्टर सैम आए। नहीं, उन्होंने आपको नीचे बुलाया है। थैंक यू। कविता जी, आप साफ निकल जाती, लेकिन आपका ये कहना कि उस पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए जिस पर सबसे कम शक हो, हमें भाग गया। हम इस बात के कायल हो गए और इसी को पकड़ पकड़ कर हम यहां तक पहुंच गए। अभी जजमेंट हुई नहीं है, शायद कोर्ट मुझे जाने दे। मेरे भेजे हुए मुजरिम छूटते नहीं, वो देखा जाएगा। खैर, कोर्ट आपको छोड़े ना छोड़े, लेकिन आप लिखना मत छोड़िएगा। मैं लिखती रहूंगी। हम पढ़ते रहेंगे। भिंडे चलिए मैडम। थैंक यू मिस्टर डिसिल्वा, थैंक यू वेरी वेरी मच। कोई भूल हो गई हो तो सैम माफी मांग। नहीं नहीं, आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग से काम लिया। चल बेटी। सैम साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, यू आर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। हमें आज्ञा दीजिए सैम साहब। भाई जरा बात ऊंची हो गई हो तो माफ कर देना। आपने जो किया ठीक किया, और आप इन पर शक मत किया कीजिए, खास कर जब कोई बात ही ना हो। नमस्ते सैम साहब। मैं क्या कहूं, अंजलि की कमी तो मुझे जिंदगी भर महसूस होगी, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि आपने कातिल को तो पकड़ लिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे थैंक यू सर। देखिए तलाक, एक बार फिर कोशिश कर देखिए। हैं? हाँ। प्लीज। आओ। गोपी, we've done it, गोपी। गोपी, where are you यार? मर गया गोपी। अरे तू बैठा हुआ है क्यों? कंच है, कंचे निकले कम्बख्त। तो मैं छोड़ दूंगा ये काम, मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज आई एम नो गुड। क्या कह रहा है यार, तू तो ब्रिलियंट है, तू कंचे कंचे न कहता रहता तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या। देखो मजाक तो नहीं कर रहा हूँ ना? अरे मजाक नहीं कर रहा, तू एकदम ब्रिलियंट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा तो दिमाग बिल्कुल कमाल का है। थैंक यू। हाँ, एक्चुअली मुझे भी मालूम था सैम कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है इस काम में। नेचुरली ऑब्वियसली। चले, आफ्टर यू। ओह नो, आफ्टर यू। ओके।